हाय एवरीवन, मैंने ये मल्टीमीटर लिया था अमेजोन से। ये मुझे 289 रुपीस का मल्टीमीटर मिला, तो हम लोग इसको खोल के आज देखेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। और ये बेसिक यूज के लिए है, ज़्यादा इसमें कुछ फंक्शंस नहीं है, तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। तो ये इसमें एक बिल आया है, इसमें आप देख सकते हैं 289 रुपीस का है। तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे। और ये है हमारा मल्टीमीटर, इसमें हम लोग को प्रोब भी मिला है। तो बेसिक सा है मल्टीमीटर, इसमें पीछे सब स्पेसिफिकेशंस दिया है, कैसा कैसा यूज करने का, किसके वजह से यूज करने का। उसके लिए हम लोग एक और एक वीडियो बनाएंगे, फिलहाल ये वीडियो में खाली अनबॉक्सिंग का ये करेंगे। तो अभी इसको खोल के देखते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। ऐसा लग तो रहा है अच्छा है, हैवी है, देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर एक स्टिकर लगाया है, इस पर 490 का एमआरपी का स्टिकर लगाया है, लेकिन ये 490 का नहीं है, ये 289 में मिला है अमेजोन पे। तो चलो फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं अभी। फ्रेंड्स, ये इसमें प्रोब भी प्रोवाइड किया है, जिससे आप बैटरी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो ये अपना मल्टीमीटर है। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग को बैटरी सप्लाई किया है वो लोग ने अंदर से, तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि इतना एक्यूरेट रीडिंग देता है और चलता है कि नहीं। चलता तो है, अभी देखेंगे कि कैसा आउटपुट है इसका। तो हम लोग को ये यूजर मैनुअल भी मिला है, तो इसमें सब दिया है कैसा यूज करने का, किसके लिए यूज करने का। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसा मल्टीमीटर यूज करेंगे। और अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि चलता है कि नहीं। तो बेसिक अपना है कि कंटिन्यूटी टेस्ट से मालूम होता है कि मल्टीमीटर काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। तो ये प्रोब्स मैंने लगा दिए, ये मैं सब आपको और एक वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इसको ऑन करके हम लोग कंटिन्यूटी पे सेट करेगा और चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं ये साउंड आ रहा है, बीप साउंड, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी इसका अच्छा है और मल्टीमीटर भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था अपना मल्टीमीटर। तो मेरा रिव्यू ये है कि ये प्राइस में ये बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो सीखना चाहते हैं और एक्सपेंसिव मल्टीमीटर लेने से पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो एक बेसिक टेक मल्टीमीटर है, आप इसको अपना कार का बैटरी का वोल्टेज नहीं तो किसी दूसरे बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और 300 रुपीज में मेरे को लगता है इट्स वर्थ अ बाय। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप उसमें जाके बाय कर सकते हैं। और प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू।